लॉकडाउन को पूरी तरह से लागू करने के लिए पुलिस महकमा पूरी तरह से मुस्तैद है। रविवार को एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ के नेतृत्व में राजघाट पुलिस पूरी तरह से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए मुस्तैद रहा। शहरी क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि शहर में आने वाले लोगों की अमरूद मंडी चौराहे पर सघनता पूर्वक चेकिंग की जा रही है। मनाही के बाद भी कुछ मनभड़ किस्म के लोग बिना काम के घर से निकल रहे हैं। पुलिस ऐसे लोगों के साथ कड़ाई के साथ पेश भी आ रही है। इस संबंध में एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। गोरखपुर की जनता पूरी तरह से पुलिस प्रशासन का सहयोग कर रही है। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने कहा, सिर्फ चलान करती है। जो लोग हेलमेट नहीं लगा रहते हैं, बैग कागज नहीं रहता, सिर्फ पुलिस उनका चलान करती है और दुर्घटना काम तमाम करती है और भी सरेआम करती है। तो दुर्घटना को निमंत्रण ना दीजिए, सामाजिक दूरी का प्रयोग करें, बार बार हाथों से धोएं, सैनिटाइज करें। भैया आप हेलमेट लगाएं, कर्मचारी हैं, आपको हिदायत दी जा रही है, आप हेलमेट लगाएं, आप सुरक्षित रहेंगे तभी लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे। मालवाहक वाहन यहाँ से चकमा देकर भागने की कोशिश न करें। अरे हाथ मत दिखा, रुका यहाँ। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बिना पास बिना मास्क के अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, अन्यथा आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अनावश्यक रूप से अपने घरों से बाहर ना निकलें, बिना पास बिना मास्क के पाए जाने पर आपके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। रोकिए और चेक करा के जाइए, अनावश्यक रोड पर न चले। कोरोना एक महामारी है जिसका अभी तक कोई दवाई तैयार नहीं हुई है, इसके देखते हुए आप लोग लॉकडाउन का पालन करें, घरों में रहें, अनावश्यक रूप से रोड पर न चले। चलो यार, तुम कहीं निकाल लीजिए, आप गैस निकालो अपना, है साइड कर रहे रुक रहे नहीं। लॉकडाउन के लिए कई शहर में कम से कम 56 जगहों पे चेकिंग की जा रही है और लोगों से अनुरोध आग्रह भी किया जा रहा है। इस क्रम में पीए सिस्टम का अधिक से अधिक प्रयोग करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि लोगों से दूरी बना के बात रखी जाए, तो काफ़ी लोगों से सहयोग भी इसमें प्राप्त हो रहा है। सर, जो बेवजह सड़कों पर निकल रहा है ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, हर जगह मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं, चाहे एपिडेमिक एक्ट के अंडर हो, चाहे आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंदर हो,
तो मुकदमे भी लिख रहे हैं और जो किसका कोई ट्रैफिक रूल का वॉयलेशन कर रहा है उनका चालान भी किया जा रहा है।